नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 11 वर्सेस Realme Nazo 50A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 11 में 6.47 इंच जबकि Nazo 50A में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Note 11 में 3.02 इंच जबकि Nazo 50A में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 11 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 11 में 0.31 इंच जबकि Nazo 50A में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 11 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 11 में 184.5 ग्राम जबकि Nazo 50A में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 11 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 11 में AMOLED जबकि Nazo 50A में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 11 में 6.7 इंचेस जबकि Nazo 50A में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 11 में 1080x2400 और Nazo 50A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 11 में 86.06% जबकि Nazo 50A में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 11 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nazo 50A में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 11 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Nazo 50A की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 11 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nazo 50A की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Nazo 50A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52 MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 11 में MediaTek Helio G88 और Nazo 50A में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 11 में 4GB की RAM मिलती है जबकि Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 11 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 11 में अप टू 512GB जबकि Nazo 50A में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Note 11 में 5000 mAh जबकि Nazo 50A में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 58 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो इन्फिनिक्स नोट 11 में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी नाजो 58 की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 11 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 11 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Realme 7 है, तीसरा Vivo Y20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।